दोस्तों, अभी तक आपने हमारी फैक्ट्री सीरीज में एसी से लेकर स्मार्ट टीवी और यहाँ तक कि कमर्शियल ड्रोन्स को भी बनते देखा। लेकिन हम सभी की जिंदगी से जो चीज सबसे ज्यादा जुड़ी है वो है पानी, जो कि ना जाने कितने पीवीसी पाइप्स की मदद से दुनिया के हर शहर में पहुँचाया जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कैसे बनते हैं ये पीवीसी पाइप्स और कैसे होती है इनकी क्वालिटी टेस्ट? तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पीवीसी पाइप्स को बनाने की शुरुआत सबसे पहले कुछ रॉ मटेरियल्स के साथ की जाती है। इन पाइप्स को बनाने के लिए हम पीवीसी रेजिन के साथ कुछ प्रोसेसिंग एसिड्स, ल्यूब्रिकेंट्स, कलर्स और फिलर्स को एक साथ हाई स्पीड मिक्सर के अंदर फीड करते हैं। यहाँ पर ये आपस में नेचुरली मिक्स होने लगते हैं, जिसे कोल्ड मिक्स भी कहा जाता है। इसके बाद इस मिक्स को एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे कि इसके अंदर मौजूद बड़े पार्टिकल्स अलग हो जाएं और बाद में मिक्सिंग में परेशानी ना बने। एक स्प्रिंग कन्वेयर की मदद से अब इस रॉ मटेरियल के मिक्स को एक होपर मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ से वो एक स्क्रू बैरल में एंटर करती है और फिर यहाँ से सीधा एक हीटर में, जहाँ पर तापमान 150 से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इस प्रोसेस की मदद से अब ये मिक्स एक पेस्ट में बदल जाता है। इस पेस्ट को एक डाई हेड से पास करवाया जाता है। हाई प्रेशर के कारण ये पेस्ट धीरे धीरे पाइप की शेप में बाहर निकलता है। इसके बाद इस पेस्ट के टेम्परेचर को तुरंत ही कम करने के लिए इसे एक वैक्यूम टैंक से गुजारा जाता है, जहाँ कई सारे वाटर स्प्रेयर्स पाइप को ठंडा करते हैं ताकि पाइप ज्यादा हार्ड हो सके। इसके बाद ट्रैक्शन मशीन के दांत इस पाइप को जकड़ लेते हैं और यहीं पर ऑटोमेटिकली इन पाइप्स की लेंथ भी कैलकुलेट की जाती है। इसके बाद ट्रैक्शन पाइप का साथ छोड़ देते हैं और पाइप्स प्रिंटिंग की प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां इन पर कंपनी का नाम, लोगो और प्रोडक्ट के बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब पाइप्स यहां से निकलकर फाइनली कटिंग सेक्शन में जाते हैं, जहां एक ऑटोमेटिक मशीन इन पाइप्स को सही लेंथ में काट देती है। कटने के बाद ये इसी असेंबली लाइन सेटअप में आगे बढ़ते हैं और फिर एक टिल्टिंग मशीन तक आ पहुंचते हैं। ये टिल्टिंग मशीन इन्हें अपनी सही जगह रख देती है और अब इन पाइप्स को कुछ बंडल्स में स्टोर करके रख दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी इन पीवीसी पाइप्स के बनने की कहानी। क्या आपने कभी सोचा था कि इसमें इतनी मेहनत शामिल होगी? आप अगली वीडियो में कौन से प्रोसेस देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।